आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। आज के सत्संग के संदेश की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह मिस्टर राघव से मिस्टर राघव कहते हैं कि जब भी मैं कोई अच्छी बात देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, तुरंत ही जिन लोगों को मैं जानता हूं उनसे शेयर करता हूं। ये आदत मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरे भीतर डाल दी थी और मेरा ऐसा प्रबल विश्वास है कि जब हम अच्छी बातें दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अच्छी बातों का आदान प्रदान होगा, तब ये दुनिया रहने के लिए एक और अच्छा स्थान हो जाएगी। अच्छी है दुनिया, ये और अच्छी हो जाएगी जब हम अच्छी बातों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसी सोच के साथ राघव कहते हैं कि मैं प्रथम अध्याय की शुरुआत करता हूं। आज के प्रथम अध्याय की शुरुआत श्रीमती सुधा मूर्ति के माध्यम से। श्रीमती सुधा मूर्ति इंफोसिस के नाम मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी, उनकी लिखी कहानी के द्वारा। राघव कहते हैं कि कहानी मुझे अच्छी लगी और इस कहानी से मुझे कुछ सीखने मिला, इसलिए वही कहानी आप तक। श्रीमती मूर्ति लिखती है कि यूएसए में एक विशेष तरीका है फंड रेजिंग का, चंदा इकट्ठा करने का, जो कि वहां पर बहुत ही लोकप्रिय है। वे लोग अलग अलग तरीके से सही व्यक्ति को पकड़ते हैं ताकि उस व्यक्ति से डोनेशन की रकम हासिल हो सके, और आजकल वही तरीका यहां पर भी अपनाया जा रहा है। श्रीमती मूर्ति आगे लिखती हैं कि मेरी एक सहेली है, नाम है उसका मैथिली, जो कि एक एनजीओ के लिए, एक संस्था के लिए काम करती है, और वो संस्था गरीब बच्चों की परवरिश करती है, बच्चों के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके एजुकेशन की व्यवस्था करती है, और इस संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम मैथिली करती है। मैथिली स्मार्ट है, बातचीत में होशियार है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। श्रीमती मूर्ति आगे कहती है कि एक दिन की बात है, सुबह सुबह का वक्त था, मैथिली का फोन मेरे पास आया और वो मुझे अपने साथ एक अमीर महिला के घर चलने के लिए कह रही थी, और इस अमीर महिला के
लगभग मैथिली एक महीने से पीछे पड़ी थी उससे मिलने के लिए, और उसने उसी दिन का अपॉइंटमेंट दिया मिलने के लिए, पर अपने घर पर नहीं, अपने फार्म हाउस पर। फार्म हाउस जो कि शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। चूंकि फार्म हाउस शहर के 40 किलोमीटर की दूरी पर था, मैथिली वहां अकेले जाने में संकोच कर रही थी, सो मुझे साथ चलने के लिए कह रही थी। मेरे पास समय था, मैंने उसे हामी भर दी। हम सुबह सुबह ही 40 किलोमीटर की यात्रा करके उस अमीर महिला के फार्म हाउस पर पहुंचे। वहां हमने देखा, श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि वहां हमने देखा कि बड़े सारे फार्म हाउस पर उस अमीर महिला का बड़ा सारा बंगला बना हुआ था। बंगले के चारों ओर गार्डन था और जबरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था थी। पहले तो हमसे कई सारे प्रश्न पूछे गए, उसके बाद सिक्योरिटी ने इंटरकॉम पर सेठानी से बातचीत की। वहां से परमिशन लेने के बाद हमें बंगले के भीतर जाने दिया गया। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि बंगले के भीतर की व्यवस्था देखकर मैं बहुत चक रह गई, क्योंकि बंगला बाहर से तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन भीतर से जबरदस्त बना हुआ था। सुंदर पेंटिंग, एक से कीमती सामान से सजा हुआ, बीच में वाटर फाउंटेन लगा हुआ और जगह जगह ताजे फूलों से सजे गुलदस्ते लगे हुए थे, और पूरा का पूरा कमरा चंदन की सुगंध से महक रहा था। सेठानी सामने झूले पर बैठी हुई थी, जो कि अंदाजन होगी 50-60 साल की, पर अपनी उम्र से कहीं अधिक यंग लग रही थी। शिफॉन साड़ी, बढ़िया हीरे के गहने पहने हुए, अगल बगल दो स्मार्ट सी सेक्रेटरी थी। जो ही सेठानी ने हमें गेट पर देखा, अपने झूले पर बैठे बैठे वहीं से इशारा किया, इधर आओ और बैठ जाओ, नजदीक के सोफे पर आओ बैठ जाओ। श्रीमती मूर्ति कहती हैं, हम दोनों नजदीक पहुंचे, सोफे पर बैठ तो गए। सोफा बड़ा कंफर्टेबल था, पर हम अनकंफर्टेबल थे, असहज थे, इसलिए कि वहां पर दो चीजों की जबरदस्त कमी थी, एक तो स्माइल की और एक वेलकम करने के तरीके की। न तो सेठानी हमें देखकर मुस्कुराई, न ही हमारा किसी तरह से स्वागत किया, सिर्फ इशारा कर दिया कि यहां पर बैठ जाओ। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि आपके घर जो मेहमान आता है वो आपकी अमीरी या आपके स्टेटस से प्रभावित या आकर्षित नहीं होता, आपकी मुस्कान उसे आकर्षित करती है, आपके वेलकम करने का तरीका उसे आकर्षित करता है, और ये दो चीजें आपसे संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है, जो कि वहां पर बेहद कमी थी। मैं और मैथिली सोफे पर बैठ गए और मैथिली ने अपनी संस्था के बारे में उसे बताना शुरू किया। मैथिली एक एक चीज विस्तार से बता रही थी उसे, क्योंकि उसे तो वहां से चंदा इकट्ठा करना था, पर वो अमीर महिला किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी,
हमारी बात ध्यान से सुन रही थी पर किसी भी तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब मैथिली भी कितना बोलती, उसने अपनी बात पूरी की और शांति से बैठ गई क्योंकि सामने से किसी भी तरह का उसे सहयोग नहीं मिल रहा था। चिंता मूर्ति कहती है, जो लोग भीतर से तेज होते हैं वे लोग अपने मन की बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते और जो लोग बेहद सीधे सरल होते हैं अपनी पूरी बातें सामने वाले पर जाहिर कर देते हैं, जैसा कि मैथिली ने किया। मैथिली ने अपनी पूरी बात उसे बता दी पर उस अमीर महिला ने किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए कमरे में शांति पसर गई, वो भी शांत थी, हम भी शांत थे। अंदाजन 7-8 मिनट बाद उस अमीर महिला ने सिर्फ इतना कहा कि आप अपने पेपर्स यहां पर छोड़ जाइए, मेरे सेक्रेटरी को दे दीजिए, हम आपको फोन पर इत्तला कर देंगे। चिंती मूर्ति कहती है कि हमारे उत्साह पर ढेरों पानी फिर गया। हम बेहद उम्मीद के साथ उसके पास गए थे, वहां से हताश निराश लौटे ये सोचते हुए कि ये बात तो वो फोन पे भी हमें कह सकती थी और हमारा आज का आधा दिन तो बेकार हो गया। वापस लौट आए। श्रीमती मूर्ति आगे लिखती हैं कि इस घटना के अंदाजन एक महीने बाद मैं एक स्कूल ओपनिंग सेरेमनी में गई। वहां मैंने देखा कि वही अमीर महिला चीफ गेस्ट बनकर आई हुई थी। उसे एज अ चीफ गेस्ट देखकर मैंने मैथिली से पूछा कि इस अमीर महिला ने कितना डोनेशन दिया। मैथिली ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया, मुझे कोने में ले गई और धीरे से बोली कि इस अमीर महिला से पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल था। इसने बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए दिए, वो भी इस शर्त पर कि मुझे चीफ गेस्ट बनाया जाए और साथ ही साथ मेरा फोटो अखबारों में छपे। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि मैंने मैथिली से कहा कि जब उसने इतनी कंडीशन रखी कि मुझे चीफ गेस्ट बनाया जाए, मेरा फोटो पेपर में छपे, तो तुम्हें एक बड़ी रकम उससे मांगनी चाहिए थी। मैथिली का कहना था कि संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। यह अमीर महिला अपने ऊपर तो हजारों रुपये खर्च करने को तैयार है पर जब डोनेशन देने की बात आती है तो 10,000 बार सोचती है और हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के इरादे से ही डोनेशन देता है। जितना मिला हमने स्वीकार कर लिया। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि इस बाबत मुझे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए जैसा मैथिली ने कहा मैंने मान लिया। आगे कहती श्रीमती मूर्ति कि मैं 8-10 दिन के लिए शहर से बाहर गई हुई थी और जब मैं वापस लौटती हूँ, शहर से जब मैं वापस लौटती हूँ और जब मुझे ड्यूटी पर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, मुझे घबराहट होती है। 8 दिन की छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन करने में मुझे घबराहट होती है। इसलिए घबराहट होती है कि पीछे से ढेर सारे लेटर्स आ जाते हैं और ढेर सारे ईमेल और जाके मुझे चेक करना होता है सारे के सारे ईमेल और लेटर्स। मैं ऑफिस पहुंची
और हमेशा की तरह बड़ा सारा ढेर लगा हुआ था लेटर्स का। मैं और मेरी सेक्रेटरी बैठकर चिट्ठियां छांटने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी सेक्रेटरी ने मुझे एक चिट्ठी हाथ में लाकर दी। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मैंने उससे पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जो तुम्हें इतना आश्चर्य हो रहा है। बोला, मैम आप ही पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, रिस्पेक्टेड मैम, मुझे पता है कि आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आपके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूं कि आप अपना सारा धन दूसरों की सेवा में लगा रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रदान कर रही हैं। सारी डिटेल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूं, और साथ ही साथ आपके लिखे आर्टिकल, आपके लिखे कहानियां भी पढ़ता हूं। मैं आपसे बेहद इम्प्रेस हूं, और मेरी प्रशंसा में, श्रीमती मूर्ति कहती कि मेरी प्रशंसा में पूरी चिट्ठी भरी हुई थी। मैंने वो चिट्ठी वापस सेक्रेटरी को दी, ये कहते हुए कि इस तरह की चिट्ठियां सुबह सुबह मुझे मत दिया करो, काम का वक्त होता है, ये चिट्ठी लो, इसे फाइल कर दो। सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा कि मैम आपने इस चिट्ठी को पूरा पढ़ा क्या? इसे पूरा पढ़िए, ये थोड़ा हटकर है। मैंने चिट्ठी वापस ली, आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बूढ़ा हूं, जगह जगह जाकर यात्रा कर कर आपकी तरह दूसरों की सेवा नहीं कर सकता, पर मैं सेवा करना चाहता हूं। तो जो मेरे पास जमा पूंजी है वो मैं आपको ड्राफ्ट के रूप में भेज रहा हूं। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारा धन है दूसरों की सेवा करने के लिए, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास जमा पूंजी है वो भी सेवा में लग जाए। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो मैं धन भेज रहा हूं, 4 लाख का ड्राफ्ट इस लेटर के साथ भेज रहा हूं, उसे आप सेवा में, समाज सेवा में लगा दीजिए। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि वो रुपया आपने किसे दिया, कहां दिया, क्यों दिया। बस आपसे प्रार्थना है कि रुपया आप समाज सेवा में लगा दीजिए। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि मैंने देखा लेटर के साथ 4 लाख का ड्राफ्ट अटैच था। अब आश्चर्यचकित होने की बारी मेरी थी, क्योंकि अब तक जितने भी पत्र मेरे पास आते थे उनमें पैसों की डिमांड लिखी होती थी, और कई पत्र तो ऐसे होते थे, शिकायत भरे, कि जो रुपया आपने दिया वो पूरा नहीं पड़ा और रुपया चाहिए। और ये तो आउट ऑफ द वे जाकर लेटर था। मैंने लेटर आगे से, पीछे से, सब जगह से देखा, पर कहीं भी भेजने वाले का नाम पता नहीं था। मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या उसे पता है कि चिट्ठी कहां से आई है। उसे भी नहीं मालूम था, सिर्फ लिफाफे पे लगा पोस्ट स्टैम्प, पोस्ट मार्क देखकर हम ये समझ पाए कि वो चिट्ठी चेन्नई से आई थी। श्रीमती मूर्ति कहती हैं, मैंने वो ड्राफ्ट हाथ में लिया, चिट्ठी हाथ में ली, और ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए आशीर्वाद मांगा, और मेरे जेहन में मुझे वो अमीर महिला याद आ गई। कितना फर्क था दोनों में।
राघव कहते हैं कि मैंने ये कहानी पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा, पर दो चीजें विशेष सीखी कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो हमारी अमीरी या स्टेटस से प्रभावित या आकर्षित नहीं होते, हमारे वेलकम करने के तरीके से आकर्षित होते हैं। और शास्त्र कहता है अतिथि देवो भव। नारायण शास्त्र कहता है कि अतिथि को आप जिस भाव के साथ देखते हैं, जिस चाव के साथ देखते हैं, वैसे ही बरकत आपके घर में होती है। यदि आप अतिथि को देव के रूप में देखते हैं जैसा शास्त्र कहता है, तो आपके घर की सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। और यदि आप अतिथि को अनवांटेड के रूप में देखते हैं तो वैसी व्यवस्था हो जाती है। दूसरा, राघव ने कहा कि इस कहानी से मैंने सीखा कि जितनी सहायता मैं दूसरों की कर सकता हूँ, जितनी व्यवस्था मेरे पास है उस व्यवस्था में मैं जितनी दूसरों की सहायता कर सकता हूँ करूँगा। दो चीजें हमने सीखी पहले अध्याय में मिस्टर राघव से।